नमस्कार बच्चों, आज आप हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ चार विनय महाजन जी की कविता मत बांटो इंसान को पढ़ेंगे। दुनिया का प्रत्येक धर्म मानवता का संदेश देता है। मनुष्य को किसी भेदभाव में न पढ़कर सभी धर्मों का समान आदर करना चाहिए। वर्तमान समय में दुनिया को एकता और सद्भावना का संदेश देती विनय महाजन जी की यह कविता। इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट हैं। आज के दौर में समाज में जो घट रहा है उससे कोई भी अनजान नहीं है। जिसे देखो अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, और इनमें सबसे आगे हैं राजनीतिज्ञ और वो लोग जो धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं। इन्हीं कारणों से समाज में अराजकता और अशांति फैली हुई है। इंसानों को बांट दिया गया है, कभी जात के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, कभी सरहद की लकीरों से और कभी किसी ढंग से। ऐसे ही परिस्थिति को बयान करती है ये कविता। आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ भारतीय समाज पर आधारित विनय महाजन जी की कविता। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। प्रस्तुत पंक्ति में कविवर विनय महाजन जी कहते हैं कि देवालय बट गए हैं, भगवान भी बट गए हैं, धरती और सागर भी बट गए हैं, लेकिन इंसान और इंसानियत नहीं बटनी चाहिए। अभी तो राह शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। कवि कहते हैं कि अभी तो मेरा जो अभियान है शुरू ही हुआ है, अतः मंजिल बहुत दूर है। उजाले के लिए सभी मजबूर दीपकों को सामने आना होगा। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। जब यह मानवता का संदेश प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच जाएगा तो सारी दूषित भावनाएं अपने आप ही नष्ट हो जाएंगी। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर्ण प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। कविवर कहते हैं यहाँ हरी भरी धरती तथा विस्तारित आसमान के होते हुए भी संसार के प्रेम रहित होने से यह रेगिस्तान के समान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। इस तरह से कवि विनय महाजन जी कहना चाहते हैं मानवता की सुरक्षा के लिए आग्रह करते हुए कवि प्रत्येक भटके इंसान को प्यार के जल से सिंचित करने की प्रार्थना करते हैं। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। यहाँ एकजुट होने से समरसता कायम हो सकती है तथा सबका धरती पर समान अधिकार हो सकता है। धरती को, मानवता को, संसार को, धर्म को, सहिष्णुता को एकता एवं सद्भावना से नष्ट होने से बचाया जा सकता है।